गाइस, दिस इज कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अब नवरात्र एंड दुर्गा पूजा दोनों ही समाप्त हो चुके हैं एंड आई होप आपने बहुत सारा एंजॉय किया हो ये फेस्टिवल्स में। मैंने तो बहुत सारा एंजॉय किया है, बट आपका फेस्टिवल्स कैसा रहा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन से कुर्ती हॉल, जहाँ पे मैंने टोटल 6 कुर्ती का कॉम्बो बाय किया है सिर्फ 850 रुपये में। तो आपको इस हिसाब से एक कुर्ती मिलती है जस्ट 140 रुपीज। तो आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि सिर्फ एक कुर्ती की प्राइस है 140 रुपीज, बट आपको ये पूरा कॉम्बो बाय करना है जिसमें आपको एक कॉम्बो में टोटल 6 कुर्तियां अवेलेबल होती है और ये कॉम्बो की प्राइस है 849 रुपीज, जिसमें स्मॉल साइज में मैंने बाय किया है। तो अगर आप ये कुर्ती का स्टफ बाय करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप कोई सस्ती कुर्तियां या फिर डेली वेरिएंट के कोई अच्छी सी कुर्तियां ढूंढ रहे हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो और मंडे टू फ्राइडे अलग अलग कुर्तियां पहनना चाहती हो, आपका बजट बहुत हाई नहीं है बट आप मीडियम बजट में कुछ अच्छी कुर्तियां ढूंढ रही हो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 140 के हिसाब से कोई अच्छा सा कॉटन मटेरियल यानी कि कोई हैवी मटेरियल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं है। ये जो सारी कुर्तियां है वो कैप्रे मटेरियल के लिए है, और अगर आपको कैप्रे मटेरियल की कुर्तियां पसंद है तभी आप ये वीडियो कंटिन्यू करो। अदरवाइज जो आपको कैप्रे मटेरियल की कुर्तियां नहीं पसंद है और आप सिर्फ कॉटन को ही प्रिफर करती हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ जी, इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो बेकार भी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा वाला फैब्रिक है, बट ये कैप्रे मटेरियल की कुर्तियां है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बताना चाहती हूँ कि ये सारी कुर्तियों का मैंने साइज स्मॉल ऑर्डर की है जिसकी प्राइस 849 रुपीज है। अगर आप इसमें मीडियम और लार्ज और एक्स्ट्रा एक्सेल साइज परचेस करते हो तो इसकी प्राइस 1299 है यानी कि 1300 रुपये है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको ये कुर्तियां सिर्फ स्मॉल साइज में ही ऑर्डर करनी है, बट जब आपको ये कुर्तियां रिसीव हो जाए उसके बाद आपको एक्सचेंज कर देना है तो आपको ये कुर्तियां सिर्फ 849 रुपीज में ही मिलने वाली है। आपको इसके लिए 1300 रुपये बाइक स्पेंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट कुर्ती है वो कुछ इस तरह की है, ब्लू कलर की कुर्ती है, पीछे की साइड प्लेन ब्लू है, आगे की साइड इस तरह से प्रिंट दी गई है व्हाइट एंड पिंक कलर में। बहुत ही अच्छी कुर्ती है, फिटिंग वाइज ये बहुत ही प्रॉपर आती है मुझे, और राउंड नेक है और 3/4 स्लीव है। सभी कुर्तियों का मटेरियल कैप्रे मटेरियल है, राउंड नेक है और 3/4 स्लीव है, बट सभी कुर्तियों का जो प्रिंट है वो भी सिर्फ अलग है, बट पहनने के बाद ये बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कैप्रे मटेरियल होने के बावजूद ये पहनने में इतना कंफर्ट ना हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, हालांकि आप इसको समर में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट आने वाले विंटर में और मॉनसून में डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। समर के लिए नहीं है बट बाकी सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये कुर्ती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेरी स्टोरीज एंड पोस्ट अपडेट करती हूँ, और इसके साथ साथ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आईडी यहाँ कहीं मेंशन में कर दूंगी, डायरेक्टली आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। जो हमारी कुर्ती है वो कुछ इस तरह की ग्रे कलर की कुर्ती है, पूरी प्लेन कुर्ती है, 3/4 स्लीव एंड राउंड नेक है, बट आपको फ्रंट में इस तरह से गोल्डन की फॉइल प्रिंट मिल जाती है जिससे इस कुर्ती को थोड़ा सा फेस्टिव वाइब्स देती है ये। और इसकी जो लेंथ है वो आपको नी से थोड़ा अप होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा नी से क्यों अप होती है, क्योंकि मेरी हाइट है 5.2। जो हमारी कुर्ती है वो कुछ इस तरह की वाइन कलर की कुर्ती है, बहुत ही प्रिटी कलर लगता है ये। इसमें आपको गोल्डन एंड पर्पल में फॉल प्रिंट मिल जाती है, पूरी प्लेन कुर्ती है, सिर्फ फ्रंट में ही आपको इस तरह से प्रिंट मिल जाती है जो थोड़ी सी हैवी प्रिंट है। तो 140 के हिसाब से मुझे ये बहुत ही परफेक्ट लगी। सभी कुर्तियों का ट्रायल पार्ट मैं लास्ट में शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक जरूर पहुंच सके। इसके अलावा भी आपको मेरी चैनल पे बहुत सारे ट्रायल हॉल के वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आप मेरी चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो 4th कुर्ती है वो कुछ इस तरह की है हमारी, जिसमें मरून एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, पूरी बैक साइड से मरून कलर है, डार्क मरून कलर की कुर्ती, 3/4 स्लीव एंड राउंड नेक है। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर का थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है जिसमें आपको रेड कलर की फ्लावरी डिजाइन मिलती है, और
इसके बॉटम पार्ट में थोड़ा सा अलग का एक येलो कलर का कपड़ा मिल जाता है। ओवरऑल थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वाइज एक कुर्ती है जो पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है, बट थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट है ये वाली कुर्ती, तो आपको इसमें कुछ इनर विनर पहनना पड़ेगा। अदरवाइज पहनने के बाद तो ये भी कम्फर्ट वाइज भी अच्छी है और ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद जो कुर्ती है फिफ्थ वन विच इज ब्लू कलर, और अगेन आपको इसमें फ्रंट साइड में प्रिंट मिल जाती है। ये जो प्रिंट है वो फॉइल प्रिंट नहीं है, ये सिंपल सी प्रिंट है जो कपड़े में ही है, जो वॉश करने के बाद भी नहीं जाएगी, उस टाइप की है। अगेन इसमें 3/4 स्लीव एंड राउंड नेक एंड बैक साइड से पूरा प्लेन है। ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका भी फैब्रिक काफी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी मुझे लगी। तो ओवरऑल 140 के हिसाब से सभी कुर्तियां मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो अंडर बजट आप कुछ अगर ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो लास्ट वन जो कुर्ती है वो हमारी कुछ इस तरह की है, जो स्काई ब्लू कलर की है पूरी बैक साइड से, 3/4 स्लीव एंड राउंड नेक है, बट फ्रंट में आपको इस तरह से रस्ट कलर एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड व्हाइट कलर में आपको इस तरह से थोड़ी सी प्रिंट मिल जाती है फ्लावर की एंड इस तरह से। तो अगेन ये कुर्ती बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी लगती है, और ये भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। ओवरऑल जो 6 कुर्ता थे उसमें से 2 ही जो ऐसे कुर्ते थे जो थोड़े से ट्रांसपेरेंसी वाइज थे, बाकी सभी बहुत ही अच्छे थे, फैब्रिक भी अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैप्रे फैब्रिक है, थोड़ा सा लो फैब्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 140 के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट फैब्रिक है। तो अगर आप अंडर बजट में कुछ अच्छा सा ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। और अब आइए स्टार्ट करते हैं इसका ट्राई ऑन पार्ट। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप मेरी चैनल पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।